जानिए क्या है करवा चौथ का व्रत, तिथि शुभ मुहूर्त। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। करवा चौथ व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जा रहा है। हर साल करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखती हैं। बता दें, कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर रात 9:19 तक ही है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत काफी कठिन होता है। इस व्रत में पूरे दिन बिना जल के रहना पड़ता है। इस दिन सुहागिने निर्जल व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा करती हैं। बता दें, हर सुहागिन स्त्री के लिए यह करवा चौथ व्रत बहुत खास होता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने शिव जी के लिए यह व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत करवा माता और शिव परिवार को समर्पित होता है। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो महिला इस व्रत को रखती है उसके पति की उम्र लंबी होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। ऐसा ही आपको शुरुआत में बताया गया है कि करवा चौथ का व्रत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। साल यह व्रत 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर रात 9:19 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।